बड़ी सआदत माँ बाप की है खिदमत, सबसे बड़ी सआदत माँ बाप की है खिदमत, सबसे बड़ी इबादत माँ बाप की है खिदमत। प्यारे दोस्तों और प्यारे टीचर्स को मेरा सलाम। मुझे आज इस मौजू पर बात करने का मौका मिला है, वो है वालिदैन। वालिदैन क्या है? वालिदैन वो अजीम हस्ती है जो अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो सारी जिंदगी अपनी औलाद की ख्वाहिशात पूरी करने में बसर कर देते हैं, अपनी औलाद पर एक हर भी नहीं आने देते। वालिदैन की औलाद पर इस कदर एहसानात होते हैं कि अगर वो उनको पूरा करना चाहे तो तब भी उनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकते। एक बार एक शख्स ने अपनी माँ को अपने कंधों पर उठाकर हज करवाया और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर उठाकर हज करवाया तो क्या मैंने उनके सारे एहसानात का बदला चुका दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अभी उनकी एक सांस का बदला नहीं चुकाया। रहते हैं मेरे साथ फरिश्ते दुआओं में, रहते हैं मेरे साथ फरिश्ते दुआओं में, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी माँ हयात है। प्यारे बच्चों, मैं अब आपको वालिदैन की नाफरमानी का नतीजा बताऊंगी। एक दफा एक शख्स शराब पीता था, वो तमाम बुराइयां करता था, हर बुरा काम करता था, उसने बुरे लोगों की सोबत बना रखी थी, वो रोज घर जाता, अपनी बीवी से लड़ता, अपनी माँ से लड़ता। एक दिन वो शराब पीकर घर गया, उसने अपनी बीवी से इस कदर बदतमीजी की, तो उसकी माँ ने उसे समझाना चाहा तो उसने अपनी माँ से भी बदतमीजी की। उसकी माँ ने उसे तंग आकर बददुआ दी कि तुम मरने के बाद अपने कमर से गदा बनकर निकलोगे। जब उसकी मौत वाकई हुई तो वो रोज असर की अजान के बाद अपने घर से गदा बनकर निकलता। एक दफा एक बुजुर्ग वहां से गुजरे, उन्होंने ये सारा माजरा देखा तो फौरन उसकी माँ की तलाश में निकल पड़े। जब उनकी माँ के बारे में उसे मालूम हुआ तो फौरन उसके घर गए और उन्हें यह सारा माजरा बताया। उनकी माँ ने कहा, मुझे फौरन उस जगह ले जाओ। जब उन्होंने जाकर वहां देखा तो वो ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि मेरे बेटे को माफ कर दे।